तेलंगाना की मांग पर हैदराबाद में जबरदस्त हंगामा, सड़कों पर ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो का एक हफ्ता पूरा मरने वालों की तादाद देख के देखो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे देखा है देखा है देख 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 ऐसे करो ऐसे। और जलंधर में धूमधाम से भी हरभजन की बहन की शादी भज्जी ने निभाई सारी रस्म। सफेद शेरवानी में सजे भज्जी बारात की आगवानी से लेकर यहाँ की रस्मों तक हर जगह आगे नजर आया। भैया भज्जी का चेहरा खुशी से चमक रहा है। सफेद शेरवानी और सफेद पगड़ी में सजे धजे हैं भज्जी बारात की अगवानी के लिए। आगे बढ़कर बूढ़े मियां का स्वागत किया और गले मिले। घर में रौनक है और माहौल है शादी का, मेहमान है और भारतीयों का इंतजार भी देखना है। अब छोटी बहन की शादी का इच्छुक है इंतजाम देखने में दस भाजी चलते चलते मुश्किल से कैमरे से मुखातिब होते हैं। खुश हो कि मेरी फैमिली फंक्शन है, सिस्टर की मैरिज है, मैं उसमें आज घर वालों के साथ हूँ। आई एम वेरी हैप्पी और जिस तरीके से मैच लेके आए हैं आई एम श्योर पूरा हिंदुस्तान खुश है। वैसे तो कोलकाता मैच की वजह से शादी से दो दिन पहले ही जालंधर पहुंचे, लेकिन इस बात का पूरा इंतजाम कर दिया था कि शादी की तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। भज्जी के करीबी दोस्त और जालंधर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव राय बिट्टा ने सारा काम संभाल रखा था, लेकिन सबको इंतजार था भज्जी के आने का। कोलकाता में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के बाद हरभजन पहुंचे जालंधर अपने परिवार के बीच। भज्जी के आते ही जश्न में नया जोश आ गया। जश्न का मौका हो और भज्जी भागना न करे ऐसा कैसे हो सकता है। घर वालों मेहमानों और दोस्तों के साथ मिलकर खूब जश्न मनाया, खूब भंगड़ा पाया। भज्जी शादी से पहले होने वाले रस्म रिवाज में शामिल हुए, शादी की तैयारियों में जुट गए। छोटी बहन की शादी के लिए भज्जी ने क्रिकेट से भी छुट्टी ले रखी है। वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार से शुरू हो रहे वनडे सीरीज के शुरुआती मैच नहीं खेल रहे हैं। गुरुद्वारे में शादी की रस्म पूरी होने के बाद पूरा परिवार नए घर में लौटा। यहीं से भज्जी की छोटी बहन की टोली उठी। सत्येंद्र चौहान, जालंधर, आज तक।